दोस्तों एमपी कांस्टेबल का एग्जाम अभी चल रहा है और ये चीज सबको पता है कि एमपी कांस्टेबल एग्जाम हो या व्यापम का एग्जाम हो या एमपी का कोई भी एग्जाम हो, चार टॉपिक ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन 100% पूछता है। वो है नदियों वाले क्वेश्चंस और उनमें से खास करके नर्मदा नदी वाले क्वेश्चंस और नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम और एमपी के जितने भी फेमस किले हैं उन सब के नाम। तो ये चार टॉपिक हमें हर हालत में कंप्लीट कर लेने चाहिए और इसमें से मैं दो वीडियो पहले बना चुका हूँ। कौन सा? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम अभी पढ़ेंगे। वैसे एमपी के जितने भी फेमस किले हैं वो उसका एक वीडियो बना दिया है और नर्मदा नदी से रिलेटेड जितने भी फेमस क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और कल रात में ही मैंने दोनों वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा, जरूर उनसे क्वेश्चन आएगा। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए एमपी पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट के वीडियो में आपके 3 नंबर कोई भी नहीं आपसे छीन सकता, बिल्कुल एमपी के सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहा हूँ, व्यापम का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का एग्जाम हो, वन रक्षक का एग्जाम हो, यानी कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आप देख रहे हैं टारगेट स्टडी IQ और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है हम लोग वो देखेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए इसमें जो हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे, देखिए अगर आप डायरेक्टली शहरों को याद करेंगे रटेंगे तो आप हो सकता है भूल जाएं। आपको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने माइंड में एक ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे आपको वो याद रह जाए, वो लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो ये खुद का मेरा बनाया हुआ लॉजिक है, अगर आपको और कोई लॉजिक पसंद आता है और आपको वो समझ में आ रहा है तो आप उसे भी याद कर सकते हैं, मेन पर्पज़ है याद होना चाहिए। देखो ऐसे शहर हम लोग याद करेंगे जिनके जिनका शुरुआत ना से होता है। तो देखिए नेमावार इसमें भी ना, निमाड़ और नरसिंहपुर, इन तीनों का पहला अक्षर ना से शुरू होता है। तो अगर ना से शुरू हो रहा है तो ये नर्मदा, और पहले दो अक्षर अगर देखें, पहले दो शहर तो देखिए पहला नर्मदा में ना और माँ, इनमें भी देखिए ना और माँ, इस वाले में ना और माँ। तो इस चीज़ से माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उसके बाद में ये जो दो बचे हुए पुनासा और बड़वानी, ये दो शहर हैं, इसमें देखिए इसमें बीच में ना आ रहा है और इसमें लास्ट में ना आ रहा है। तो जिनके नाम में शहरों के नाम में या तो ना से शुरुआत हो रही है या ना उनमें आ रहा है तो वो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए, एक बार देख लेंगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद में दो ऐसे शहर मंडला, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है, और मंडलेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे है और दोनों के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मंडला और मंडलेश्वर, इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद में अगले दो नाम हैं जो जो भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, अमरकंटक और ओमकारेश्वर, दोनों आ से शुरू होते हैं और दोनों लगभग बोलने में एक जैसे लगते हैं, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी कि ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखिए अगले दो नाम कैसे याद रखेंगे, अगले दो शहरों के नाम हैं महेश्वर और धार, ठीक है। महेश्वर का मतलब होता है भगवान शिव और धार का मतलब होता है पानी की जो धार लग रही होती है। तो इस फिगर से थोड़ा सा बना के मैंने समझाया है कि ये रहे महेश्वर भगवान शिव और उन पे ये पानी की आ रही है धार। तो महेश्वर और धार, ये धार हम लोग मन में ये सोच लेंगे नर्मदा नदी की धार आ रही है, तो नर्मदा नदी आपको याद आएगा, नर्मदा नदी, नदी से याद आएगा कि भोले बाबा के ऊपर जो धार गिरती है, यानी कि महेश्वर और धार, ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहरों के नाम हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पहला शहर आपका हंडिया, ये भी नर्मदा नदी के किनारे, झाबुआ और भड़वा, ये तीनों शहर नर्मदा नदी के किनारे। इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक याद रख लें, इंडिया में बुआ वाह हुआ करती है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इंडिया से आप जोड़ेंगे हंडिया और झाबुआ का, देखो ये आ रहा है बुआ, ये रहा बुआ और भड़वा, ये रहा वाह और ये रहा वाह वाह।
तो देखिए इंडिया में बुआ वाह वाह करती है, इसका मतलब हुआ हंडिया, झाबुआ और बढ़वा, ये तीनों आपके नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। और देखिए नीचे मैंने बना भी रखा है फिगर में, ये बुआ बना दी हैं और ये वाह वाह कर रही हैं। तो आपको फिगर देख लीजिए, ट्रिक का लाइन देख लीजिए और शहरों के नाम देख लीजिए, आपको एक ही स्लाइड से याद हो जाएगा। उसके बाद में दो और शहर आपको याद रखें, जबलपुर और होशंगाबाद। जबलपुर और होशंगाबाद कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए आप बेहोश हो गए हैं, ठीक है, आप अपना होश खो बैठे हैं, ये देखिए होश है ना यहाँ पे, होश खो बैठे हैं, ये आदमी देखिए बेहोश पड़ा है। तो अगर आप बेहोश बैठे हैं तो अगर आपको होश में आना है तो आपको अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करेंगे तभी आप होश में आ पाएंगे। देखिए यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा होश में आने के लिए। तो इसको फिगर देख लीजिए, ट्रिक की लाइन देख लीजिए और शहरों के नाम देख लीजिए, आपको देखते ही ये दोनों याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी ये ट्रिक खुद की बनाई हुई जो ट्रिक है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, और बताएंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील होगा। और अगर कमेंट करने तक का समय नहीं है, आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। बस आपसे एक ही हेल्प मैं मांगता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कोई भी मेरी डिमांड नहीं है आपसे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।